फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडियन ब्लॉग अंजू में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने नेक्स्ट वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट की हूँ। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से चक्कू से चिप्स को कट कर लिया हुआ है और यहाँ पर रख दी हूँ पानी, इसमें नमक डाल के। तो पानी उबल रहा है और ये चिप्स मैं धुल ली हूँ। तो अब इस तरह से पानी में सब डाल देंगे फटाफट से और इसको एक उबाल आने तक ढक देंगे। जैसे ही लग रहा है कि उबाल आने वाला है, हम तुरंत बंद कर देंगे और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। तो इस तरह से चिप्स बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू में उबाल आ गया है और अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इसके बाद इसमें जो भी पानी है एक्स्ट्रा हम सब निकाल देंगे। और ये देखिए, चिप्स बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब इसको चलते हैं धूप में सुखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े को डाल दिया है और इस तरह से फटाफट से अलग अलग करके फैला देंगे धूप में। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सूखने में, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अगर हम सुबह से इसको बनाएं तो शाम तक तो सूख ही जाता है, पर यहाँ पर मैं करीबन 1 बजे के बाद बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने चिप्स को धूप में सुखा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ थोड़ा सा बनाया हो तो आपको मैं दिखाई दी हूँ। ये देखिए, तो बस थोड़ा सा ही बनाई हूँ कल के लिए। कल होली है, आज तो होलिका दहन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ छाँव में। यहाँ पे धूप तो नहीं लग रहा है अभी जहाँ मैं बैठी हूँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसको सूखने देते हैं और हम चलते हैं घर में और फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत काम करना है पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ के हवा ले लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ क्या करना है। और ये जो चिप्स मैं यहाँ पर डाली हूँ इसको भी देखना है, क्योंकि जाह्नवी के पापा खाना खाने आते हैं 2 बजे, तो 1 बज के गया है। वो आएँगे ना तो उठाएँगे गेट, सीधा चला जाएगा नीचे। तो इसको भी बीच बीच में देखते रहना है, बहुत ज़्यादा काम है। और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। मैं मिलती हूँ आप लोग से फिर थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का 5 बज गया है और ये चिप्स सूख गए हैं। ये देखिए, काफ़ी सूख गया है। जो भी थोड़ा बहुत है ये मैं घर में रख दूँगी, सूख जाएगा और कल ही तो बनाना है, तो काफ़ी सूख गया है। और ये है राई, तो इसको मैं चिप्स बनाने के बाद करीबन इसे 3 बजे उबाली हूँ, उसके बाद इसको यहीं पर डाल दी थी सूखने के लिए। तो इसका फ्रेंड्स उपटन बनाना है और सब लोग लगाएंगे आज, उसके बाद जब होलिका दहन होता है उसमें डाल देते हैं जलने के लिए। और फ्रेंड्स, इसे लगाना चाहिए ज़रूर, इससे जो भी हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और टोने टोटके जो भी रहते हैं, इसे लगाने के बाद जब वो होलिका दहन में डाल देते हैं जलने के लिए, तो वो सब भस्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसको ज़रूर लगाए ये आप लोग भी, और इसीलिए लगाया जाता है होलिका दहन के दिन उपटन। तो हम लोग में ये शुभ भी होता है, ज़रूर लगाते हैं, आप भी लगाइए। और आप लोग के यहाँ लगाते हैं कि नहीं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर राई नहीं आप लगाना चाहते तो इसके जगह पे बेसन और हल्दी भी मिक्स करके उपटन बनाकर लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इतना सारा बर्तन था धोने के लिए, तो मैं सभी को धुल ली हूँ और अब फटाफट से सभी बर्तन को लगा देती हूँ। और अभी बहुत सारा काम करना है मुझे, तो फटाफट से मैं लग जाती हूँ। वैसे तो सब काम को मैं वीडियो में क्लिप नहीं ले सकती हूँ, थोड़ा ही बहुत लूँगी, क्योंकि बहुत काम करना है, बार बार मोबाइल भी उठाना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं उसमें मोबाइल भी बार बार उठाते हैं तो उससे 2-3 गुना टाइम लग जाता है, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी शाम का 6 बज गया है, तो मैं फटाफट से स्टार्ट कर ले रही हूँ अपना सभी काम और यहाँ पर फटाफट से सब बर्तन को लगा देती हूँ मैं, और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ फिर। अभी झाड़ू वगैरह भी लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है लाडो का काम, अपना सब खिलौना फैलाई हैं, खेल ली हैं, उसके बाद यहाँ जाके ये सो गई हैं। तो अभी सबको मुझे ही भरना पड़ेगा, क्योंकि जाह्नवी शानी गई है नीचे, वो दोनों नीचे खेल रही हैं और लाडो यहाँ पर अपना सो गई हैं सब फैला के। तो अभी मैं सब फटाफट से भर देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो ये देखिए, छोटा सा एक बकेट है, बाल्टी, और छोटा सा कलसा है, और जो कि बहुत अच्छे लगती है। देखिए लाडो का भाडोली सब बर्तन, तो ये सबको मैं फटाफट से रख देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर 2-4 खिलौने छूट गए हैं उनके और भी,
तो फ्रेंड्स मैं सब काम वगैरह कर ली हूँ और इसके बाद मैं यहाँ राई को पीसने जा रही हूँ इसका उपटन बनाने के लिए, ये देखिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर लगा हुआ है, ये जो वाइट है, तो शक्कर भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लोइंग बनाता है। तो मैं इसमें ही पीस लूँगी, इसको धुलूँगी नहीं। और शक्कर मैं पीसी थी करंजी बनाने के लिए। तो देखिए इसमें हम पानी नहीं डाले हैं, बस ऐसे ही राई को पीस लिए हैं। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच हल्दी, और पानी डालकर हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और अगर हम पानी डालकर पीसते हैं तो वो नहीं पीसता है, मतलब वो सब खड़े खड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर सब हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ईशानी का मालिश कर रही हूँ, ऐसे मैं सभी को लगा दूँगी हाथ पाँव में और ख़ुद भी लगा लूँगी। इससे जो भी हमारे शरीर में मैल होती है निकल भी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब काम करने के बाद मैं यहाँ पर अभी अगला काम शुरू कर रही हूँ। तो ये है इलायची, और इलायची को मैं कूट ली हूँ, और ये है खोआ। तो जो इलायची के एक्स्ट्रा छिलके हैं उसको मैं हटा दूँगी। यहाँ पर खोआ है, ये नारियल का बुरादा है। तो इस तरह से हम थाली में निकाल लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शक्कर। शक्कर को मैं पीसी थी, आपको पहले ही बताई, मिक्सी में। तो इस तरह से अगर शक्कर का पाउडर बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, नहीं तो जब करंजी बनाते हैं तो वो गलता नहीं है अंदर, तो वो मुँह में आता है, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अगर हम पीस देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ, इस तरह से फटाफट से बनाते जाएंगे। और मैं साँचे से बना रही हूँ, मैं हाथ से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अकेले ही बनाना है और हाथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और लेट भी हो गया है। साँचे में इस तरह से रखते हैं और फटाफट से बना लेते हैं, बस इसको अच्छे से प्रेस करना पड़ता है दबा के, और उसके बाद निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सभी को फटाफट से बना लेती हूँ। और मैदा जो है मैं ढककर रखी हूँ, इस तरह से मैदा टाइट नहीं होता है और एकदम अच्छे से स्मूथ रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी करंजी बन गए हैं और मैं फ्राई करना भी स्टार्ट कर ली हूँ। और इसको अलटते पलटते मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे अच्छे से, और इस तरह से पकाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसी तरह से सभी को मैं डीप फ्राई कर लूँगी फटाफट से।